दो बड़ी खबरें और इसका जिक्र दरअसल सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान नोट गिन रहा है, अमेरिका वोट गिन रहा है, और यही दो तस्वीरों के साथ हम शुरुआत करते हैं आगे की बुलेटिन की। हिलरी से आगे ट्रंप चल रहे हैं, हमने आपको वो आंकड़े भी दिखाए हैं। अभी वोटिंग कई स्टेट्स में क्लोज हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके छन छन के आंकड़ा निकल रहा है, कम से कम जो कहा जा रहा था कि ट्रंप को सिरे से नकारेगी अमेरिका की जनता, ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ 500,000 के नोट जो बंद हुए हैं उसके बाद आशंकाओं का एक पूरा दौर चल निकला है। लोग सोच रहे हैं कि कहीं उनके सारे के सारे पैसे तो खराब नहीं हो गए। नतीजा इन दोनों चीजों का जो सेंसेक्स में नजर आ रहा है, 966 अंकों की गिरावट है, निफ्टी 508 अंक लुढ़का है। हालांकि थोड़ा सा सुधार हम एक तरफ देख रहे हैं तो शुरुआत गिरावट से हुई है, यह भी समझने वाली बात है। आधी रात से सोने के दाम बढ़ गए हैं, 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जो बढ़त देखी गई है, डॉलर के मुकाबले रुपए में 23 पैसे की गिरावट आई है। ये सारी शुरुआती चीजें हैं। जैसे आपके हमारे मन में आशंकाएं हैं, वैसे बाजार तो और संवेदनशील होता है, वहां पर और ज्यादा आशंकाएं होती हैं, और इसीलिए ये तस्वीर हमारे सामने। हम अपने तमाम एक्सपर्ट से एक बार फिर आपको बता दें, हमारे साथ अर्थशास्त्री वेद जैन जी जुड़े हैं, स्टूडियो में हमारे साथ विनोद जैन जी हैं, अंशुमन तिवारी हैं, सुनील शाह मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन सभी से बातचीत करें उससे पहले आम लोगों के जो सवाल हैं, आम लोगों की जो मुश्किलें हैं, हमारे संवाददाता उनसे लगातार बात कर रहे हैं, एक नजर उन पर डालते हुए आगे बढ़ते हैं। पांच सौ और हजार के नोट को लेकर किस तरह की हलचल है, ये जानने के लिए हम गाजीपुर की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर सब्जियों का थोक व्यापार होता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों से यहाँ पर लोग सब्जियां खरीदने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में क्या असर इसका बाजार में हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ एक परिवार बातचीत करने के लिए है। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि 500 और हजार की नोट जो है वो आज से नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, बैंक भी आज बंद है, तो किस तरह का असर आप को देखने के लिए मिला? देखिए डेली जो हमारी प्रॉब्लम, जो डेली लिविंग की प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ तो गई है, पर ठीक है, हम लोग इसको जस्टिफाइड मानते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम ऑलरेडी जो हमारे देश में चल रही थी कि ब्लैक मनी कहाँ से आएगा या कहाँ से रिजॉल्व होगा, तो वो रिजॉल्व करना इतना छोटा स्टेप नहीं है। किसी 500 या 1,000 के नोट की वजह से कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे दिक्कत हुई? बिल्कुल सुबह से ही हो रहा है। आज सुबह सुबह मैं अपनी वाइफ को स्टेशन छोड़ने जा रहा था, मदर मेरे साथ इसलिए गए, चलो उनको स्टेशन छोड़ाता हूँ। तो जब स्टेशन जो कैब बुक कराई थी वो कैब को सुबह जब बोर्ड करने लगे, उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपके पास कौन सा नोट है। हमारा 500 छोटा नोट नहीं था, तो कैब वाले ने हमें बोर्ड 500 और 1,000 का नोट आज से किसी काम का नहीं है। और जो भी लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर उन्हें एक जगह से किसी दूसरे जगह पर जाना है तो वो कैसे जाएंगे, क्योंकि ऑटो हो, टैक्सी हो या फिर ऐप बेस्ड ओला उबर जैसी कंपनी की गाड़ियां, ये भी अब 500 या 1,000 के नोट लेने से कतरा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं काले धन पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठोस कदम उठाया उसके बाद इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है, बहुत सारा सामान है इनके पास और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलकर इन्हें जाना है एयरपोर्ट, कैसे जाएंगे और क्या कुछ दिक्कत इन्हें सुबह सुबह पेश आई, जरा इनकी जबानी ही सुनते हैं। सर आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम संजय है, अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, हरिद्वार से अभी आया हूँ, दिल्ली स्टेशन पर अभी उतरा हूँ, 1 घंटा हो चुका है लेकिन कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ रही है। मेरे पास सिर्फ 500 और 1,000 के नोट है, कल ATM से निकाले हुए नोट है, इसमें सिर्फ 200 रुपया 300 रुपया है, मेरे पास जाने का 600 रुपया किराया देने का है, कोई नोट नहीं चल रहा है, हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी हमको वहां से घर पर भी जाना है, उसके लिए भी नोटें नहीं है। बड़ी बात यह है कि आम लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं कि जो किया गया है वो सही है, लेकिन समझ सबको ये नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। मुरादाबाद की एक तस्वीर आप साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि वहां पर तो स्टेशन पर लिख दिया गया है कि 500 और 1,000 के नोट नहीं यहाँ पर लिए जाएंगे। वेद जैन जी, आपको व्यावहारिकता पर बहुत सारे सवाल आपने उठाए थे और आपको कुल मिलाकर लग रहा है कि कदम सही नहीं है, लेकिन ये सही और सफल कैसे बनाया जा सकता है? अभी भी क्या कम्युनिकेशन जो सरकारी दफ्तर हैं कम से कम वहां पर नहीं है, इसीलिए लोगों को ऐसी मुश्किलें आ रही हैं? नहीं देखिए, ये जो मैं कहता हूँ कि जब इस तरह की स्कीम बनाई जाती है तो ये देखने की बहुत सख्त जरूरत होती है कि आम आदमी पर डेली लाइफ पे कैसे फर्क पड़ेगा।
अभी आपने जो दो तीन उदाहरण दिखाए कि जो रेलवे स्टेशन का दिखाया, एक आदमी हरिद्वार से आया, एक आदमी टैक्सी छोड़ने जा रहा है, कोई बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई कॉलेज जाएंगे, तो आप आज की डेट में देश को बंद तो नहीं कर सकते हैं। अभी जो मेन मुद्दा जो आपको समझने का है कि हमने जब ये 500 हज़ार रुपये के नोट बंद किए हैं तो इसकी एक स्टडी की कि ये 500 हज़ार के नोट, जैसे मैं कह रहा था कि ये सिर्फ अमीर आदमी या ब्लैक मनी वाले नोट नहीं है, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट के ये नोट वो भी हैं जो एक साधारण नागरिक पे भी हैं और डेली यूज में बहुत हैं। इसीलिए मैंने कंपैरिजन किया था 1978 की स्कीम से, जब कहा था 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट थे उस समय, सिर्फ अमीर आदमी के पास अलावा ये नोट नहीं किसी और पे होते थे, तो बड़े उसको उसमें इतनी समस्याएं नहीं आई थी। लेकिन उसकी सक्सेस रेट भी बहुत कम हो गया था क्योंकि 99% नोट बाद में बैंक में आ गए थे। आज की डेट में जो सरकार को मेन चैलेंज है इस आम आदमी की समस्याओं को वो करना, तो इसलिए बहुत सख्त जरूरी है कि एटीएम पे आप इमीडिएटली इसको ऑपरेशन करें, तो कि जो स्टेशन पे जा रहे हैं, जो और लोग जा रहे हैं, वो पैसे अपने अगर आज की डेट में जो पर्स में बटवे में रखे हैं वो यूज़ नहीं कर सके, कम से कम एटीएम से निकाल सकें। इसी तरह से बैंकों का खोलना भी बहुत सख्त जरूरी है कि बैंकों में जाके वो नोट अपने 2,000, 5,000 के नोट जो है वो अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकें, और एक्सचेंज कराने की बात तो अलग है, लेकिन बैंक से निकाल सकें इतना साधन कर दें तो बहुत आराम हो जाएगा। जी, जी। इसी तरह से जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, जो बस स्टैंड की बात हो रही है, जो और जगह है, वहां पे उनको बड़ी सख्त हिदायत दी जाए कि साहब ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। जी, जो आपने गोल्ड के रेट के बढ़ने की बात करी, वो गोल्ड का रेट बढ़ना अपने आप में एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो आम आदमी का जो ब्लैक मनी का जो पैसा है वो कैसे एक्सचेंज होने की तैयारी में लगा हुआ है, तो उसको भी रोकने की बहुत सख्त जरूरत है सरकार के हिसाब से। तो हमें जब ये एक इकोनॉमिस्ट की तरफ से हमें अगर इसे समझें तो डिमोनेटाइजेशन कभी भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा कदम नहीं माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से करेंसी के अंदर कॉन्फिडेंस लैक होता है। ब्लैक मनी की बात हो रही है तो आज की डेट में अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो लोगों का विश्वास गोल्ड में और वैल्यूएबल असेट्स में बढ़ जाएगा और अपनी करेंसी में विश्वास कम होगा। तो ये एक सुनील शाह जी बाजार जिस तरह से खुला है, हालांकि आपने कहा कि वहां पर सीधे तौर पर आपका 500 हज़ार के नोटों से नहीं लेना देना हो सकता है, वहां पे चेक ट्रांजैक्शंस चलते हैं, अमेरिकी चुनावों का असर हो सकता है, लेकिन हम क्या जैसे दिन बढ़ेगा हम कुछ सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं, जैसे जैसे ये स्पष्ट होता जाएगा कि यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कम से कम जहां तक नोटों का सवाल है? सर्टनली, बट जैसे कि मैंने कहा कि वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अभी अभी मैंने सुना कि फ्लोरिडा जो है वो ट्रंप के हिस्से में गया है, तो ये एक बड़ा ही झटका है हिलेरी के लिए। और मेरे ख्याल से आज 80% जो मार्केट की मूवमेंट आप देखेंगे, ये मेरा मानना है, वो US आउटकम के ऊपर देखेंगे, 20% ये जो इशू है नोट्स के हैं, और नोट्स के इशू आगे भी चल के, ये आज के लिए ही नहीं है, आगे चल के देखेंगे कि क्योस क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे कि आपके जो इकोनॉमिस्ट जो बैठे हैं उन्होंने कहा, सही कहा है कि ये ओवरसीज इन्वेस्टर्सों में एक बड़ा सा नेगेटिव सिग्नल दिया जाता है, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड माना जाता है कि भाई यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन होगा, आपका पेपर जो मनी है वो वर्थलेस हो जाएगा, तो मोर एंड मोर मनी जैसे सोना या जूस चीज़ों में एडजस्ट हो सकता है वैसे जाएगा। कैश इकोनॉमी जहाँ पे कैश जनरेशन कैश सर्कुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, जिसके लिए इकोनॉमी में पैसा घूमता रहे, ये सारे ये कदम के बिल्कुल विरुद्ध ये कदम है। और दूसरी बात, मैं मानता हूँ अच्छा कदम लिया है, लेकिन शायद मैं ये मानता हूं कि 1,000 एक नोट, क्योंकि 500 रुपया भी बड़ी आम बात है, पहले एक नोट को अगर डिमोनेटाइज किया जाए गया होता तो शायद थोड़ा सी परेशानियां कम होती थी, ये ऐसा मेरा मानना है। जी, आपने ट्रंप को देखते हुए बताया कि कैसे बाजार ट्रंप को नहीं चाहता है, शायद हिलरी को चाहता है इस वजह से ये, लेकिन अब सूरत बदल गई है, वहां पर 209 हिलरी वापस लीड पे है, 209 कैलिफोर्निया हिलरी चाहिए सिर्फ, कैलिफोर्निया हिलरी ने जीता है, तो उसकी वजह से अब स्थिति पलट गई है वहां पर, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हो गए हैं, हिलरी क्लिंटन आगे हो गई है, टक्कर कांटे की है, जिसका प्रिडिक्शन था वही वहां पर चल रहा है, देखना है नतीजे में आखिरकार क्या वो। लेकिन विनोद जैन जी, आप कह रहे हैं आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है, लोग समझ नहीं रहे इन चीजों को, तो जिन बातों का जिक्र हमारे जो दर्शक अपनी समस्या बता रहे थे उन चीजों का समाधान क्या है? कल से भी तो 2,000 रुपए निकलेंगे अगर जहां जहां एटीएम खुल जाएगा, तो टैक्सी से आना जाना हो, देखिए कोई किसमें मैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देखता हूं, क्योंकि सरकार ने बहुत तैयारी के साथ ये काम किया, साफ नजर आ रहा है। आप सिर्फ अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन लेकर जाएंगे बैंक में, कोई भी आदमी किसी भी बैंक की शाखा में जाएगा, 4,000 रुपए तक बैंक उनको नोट एक्सचेंज करेगा,
अच्छा, बैंक आपको कैश लेकर जाइए नोट एक्सचेंज करेगा, आप पुराने कैश लेकर जाइए, आपके हाँ। 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नोट हैं किसी भी बैंक के, अच्छा, किसी आपको भी निकालने की जरूरत नहीं, आप एक्सचेंज कर, आप एक्सचेंज कर सकते हैं 4000 रुपए तक, कोई दिक्कत। एटीएम पर एक्सचेंज हो रहा है, एटीएम एक अलग चीज है। देखिए एटीएम तो जिनके बैंक अकाउंट में खाता है सिर्फ उन्हीं के लिए, जिसके पास एटीएम कार्ड है, जिसके पास एटीएम कार्ड नहीं उनके लिए भी सुविधा, आपके अपने बैंक में जाइए वहां से पैसे निकाल सकते हैं आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। 10000 रुपए तक निकाल सकते हैं अगर अपने खुद के बैंक के खाते में से निकाल। अच्छा एक और चीज स्पष्ट कीजिए, मैं 4000 रुपए लेकर जाती हूँ 1000-1000 के नोट, उन्हें बदलती हूँ, क्या मैं साथ में चेक से 4000 ड्रॉ भी कर सकती हूँ? नहीं कर सकते हैं आप 10000 तक चेक से ड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में, एक दिन में मैक्सिमम 20000 रुपए पर वीक है, पर एक दिन में 10000 रुपए कर सकते हैं, और ये टेम्परेरी लिमिट्स हैं, आगे आप अनलिमिटेड ड्रॉ कर सकेंगे, अनलिमिटेड जमा कर सकेंगे। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ अपने आपके दर्शकों से कि इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट कॉमन आदमी पर नहीं होने वाला, कॉमन मैन कैन नॉट बी इंपैक्टेड। आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार की, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक या दो दिन की समस्या है, वो इतने बड़े ऑपरेशन में होने ही वाला है। बैंक पूरी तरह गियर अप है, जैसा सरकार की बातों से लगा उन्होंने आज बैंक की ब्रांचें बंद की हैं, बिफोर टुमारो मॉर्निंग कल सुबह से पहले सब बैंकों में 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट आ जाएंगे। तो ये कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, पुराने नोट आप दीजिए बैंक में जितने मर्जी जमा कराइए, जो व्यापारी वर्ग है उसके पास जितना भी कैश है वो आराम से बैंक में जमा करा सकता है। देखिए 10 लाख रुपए से नीचे तक आप जो भी कैश बैंक में जमा कराते हैं साल में, उसकी कोई सूचना कहीं किसी अधिकारी को नहीं जाती है, ये सरकार का ऑल इंडिया एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न का है। तो जिसके पास 10 लाख से कम धन है वो फ्रीली बेधड़क जाके अपने बैंक में जमा करा सकते, भले उसने उस पे टैक्स जमा किया हो नहीं किया, टैक्स की बात बाद में है। देखिए टैक्स की बात बहुत बाद में है, टैक्स नहीं जमा किया उसके लिए उसको सिर्फ एक इनकम टैक्स की रिटर्न ही भरनी है ना, वो तो इनकम अगले साल रिटर्न जाएगी, अभी बहुत समय उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया, क्यों जो कैश है वो जमा कर दो। कैश 10 लाख से नीचे मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जाके अपना बैंक में जमा कराइए और आराम से आप पैसे उसके अगेंस्ट विड्रॉ करिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इस बात कह सकता हूँ इस बात को कि 5 लाख 10 लाख रुपए तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं, क्योंकि हर परिवार में 3 प्राणी हैं 4 प्राणी हैं, 2-2 लाख रुपए भी जमा कराए तो भी 8 लाख रुपए हो गए जी। तो 2 लाख रुपए तक तो कोई इशू ही नहीं है किसी प्रकार का, 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट है, 5 लाख तक सिर्फ 10% टैक्स है और 10 लाख तक सिर्फ 20% टैक्स है। तो हम आपकी उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको लग रहा होगा कि अब हमारे पैसों का क्या होगा। ये बताइए अंशुमन जी कि कितनों लोगों को पता था कि ये बदल जाएगा, और क्या ऐसा तो नहीं कि कई लोग अधिकारियों को पता चल गया हो, ठिकाने लगा दिया गया हो ब्लैक मनी पूरा? नहीं, कुछ लोगों को पता लगने की जहां तक बात है, एक चीज में महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ने इस बात की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी कि वो 500 रुपए और 2000 रुपए की नई सीरीज लाने वाला था। उसकी वजह की ध्यान से अगर पूरी व्यवस्था में देखें तो 1000 रुपए का नोट खत्म हो रहा है फिलहाल, जो नई सीरीज आ रही है उसमें 1000 रुपए का नोट नहीं है। फेक करेंसी और काउंटरफिट का बड़ा चैलेंज था 1000 रुपए का नोट, और शायद जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज से सरकार के पास सूचना थी उसमें सबसे ज्यादा जो नकली करेंसी थी वो 1000 रुपए के डिनोमिनेशंस में थी, तो उस पर क्रैकडाउन, बड़ा क्रैकडाउन करना जरूरी था। अच्छा, इसलिए क्या ये सच है कि 2000 के नोट में वो कुछ नैनो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये भी एक र्यूमर है। रिजर्व बैंक का सर्कुलर उसमें बहुत ही क्लियरली कहता है उसमें 7 सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो एग्जिस्टिंग नोट्स के ग्लोबल लेवल पर सिग्नल है कि सैटेलाइट को सिग्नल चल जाएगा, आप स्टोर करेंगे तो पता चल जाएगा। आप ये स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि कोई जीपीएस डिवाइस में कोई पावर डिवाइस भी तो होनी चाहिए, तो फिर कैसे ब्लैक मनी पे? नहीं, ब्लैक मनी नहीं, उसका लिमिटेड सर्कुलेशन रखने की बात गवर्नमेंट ने क्लेम की है। अच्छा। लेकिन उसके सिक्योरिटी फीचर्स काफी एलाबोरेट है, और जो मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो भारतीय मतलब में उसके काउंटरफेट नोट्स छापने में बहुत मुश्किल खर्च होगा, क्योंकि उसमें 7 लेवल के सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उसे बनाना आसान नहीं होगा। और आमतौर पर काउंटरफीट्स का जो पूरा ग्लोबल सिस्टम इस तरह से चलता है कि दुनिया भर के बैंक्स अपने सिक्योरिटी फीचर्स बदलते रहते हैं, जिससे काउंटरफीटर्स को नए को प्रिपेयर करने के लिए तैयारी करनी पड़े। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 2000 रुपए के नए नोट अगले 2-3 दिन में 4 दिन में सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और शायद एटीएम्स पे भी वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो छोटी करेंसी है, क्योंकि अगर आप पूरे भारत के करेंसी स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर से 80% मनी वैल्यू टर्म्स में इमीडिएटली डिमोनेटाइज हो जाती है। करीब 17 लाख करोड़ नोट करेंसी सर्कुलेशन में है। करेंसी इन सर्कुलेशन एंड और ब्लैक मनी, इनके बीच में एक बड़ा फर्क है। करेंसी इन सर्कुलेशन इकोनॉमी का फ्लो है, और ब्लैक मनी इकोनॉमी का मेलाइज है, बीमारी है, बीमारी है। तो अगर आप बीमारी का इलाज करते हुए पानी का प्रवाह ही रोक देंगे, अगर खून की सप्लाई ही रोक देंगे, तो लोग तड़पाएंगे, तड़पेंगे। तो हम इस स्थिति में खड़े हैं जहां पर हम एक बीमारी के इलाज के लिए फ्लो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्लो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो छोटी करेंसी का सर्कुलेशन है, आमतौर पर हम, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि हमारे एटीएम्स छोटी करेंसी फ्रेंडली नहीं है, बैंक्स छोटी करेंसी फ्रेंडली नहीं है,
छोटी करेंसी की मैनेजमेंट कॉस्ट ज्यादा है, छोटी करेंसी को प्रिंट करने की लागत ज्यादा है, जितनी बड़ी करेंसी उसकी प्रिंटिंग लागत उतनी उतनी कॉस्ट कम है। ये सारी चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक को अगले कम से कम छह सात दिनों में बड़े पैमाने पर 100 रुपए के नोट मार्केट में सप्लाई के लिए लाने पड़ेंगे, ताकि वो छोटी करेंसी बाजार में सर्कुलेशन करके उस गैप को फिल कर सके। 80% करेंसी को इमीडिएटली, मुझे याद आ रहा है मोदी जी ने एक दफा कहा था कि कड़वी दवा लेनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि ये जो छोटे टर्म में आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, दरअसल अगर ब्लैक मनी, काले धन से निजात पाना है, टेरर फंडिंग जिसके लिए नकली नोट छापे जाते हैं उनसे निजात पाना है, ये एक बड़ी तस्वीर को देखें तो सबके भले के लिए है। कम से कम मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। आम लोगों की समस्याओं की बात हो रही है तो राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन किया है इस नोट को, जो 500 और 1000 के नोट जो बंद किया गए हैं उस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी का फैसला सही है, ये नोट बंद होने से रुकेगा काला धन। काले धन पर प्रधानमंत्री मोदी का वार है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, कई ऐसी जरूरी सुविधाएं हैं जहां पर कहा गया है कि 500 और 1000 के नोट लेने होंगे, पर वो जो लोग हैं वो इनकार कर रहे हैं और इसी वजह से एक पूरे असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही विनोद जैन जी हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। वेद जैन जी, आपने 78 से तुलना करके सीधे तौर पर यह कहा कि उस वक्त लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि सबके घरों पर हजार हजार के और उससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स रहें। इस वक्त फैसला तो अब ले लिया गया और अब बस इस पर अमल की बारी है। कितने दिनों में आपको लगता है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी, जो कम्युनिकेशन है वो अपने सेट हो जाएगा, लोगों को भी समझ में आएगा और जो जिन लोगों की आप लीजिए आपके लिए बेकार नहीं, आपके लिए रद्दी नहीं है, ये आप स्थिति सामान्य होते में कितना वक्त देख रहे हैं अभी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्थिति सामान्य होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि 4000 रुपये तक के आप नोट बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। तो आप ये स्थिति समझिए कि 125 करोड़ की देश की जनता के पास, जिसमें से 40% जनता बैंकिंग पे एक्सेस नहीं करती है, और मैं ये मान के चलता हूँ लगभग 60 से 70 करोड़ लोग बैंक में जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी कार्ड देंगे और फॉर्म भर के 4000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराएंगे पर डेली बेसिस पे। ये एक व्यवस्था के लिए अपने आप भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा और छोटे शहरों, बड़े शहरों, गांवों, किसानों, आम नागरिक हो, सबको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि हम वीडियो कैमरा लगाएंगे बैंकों में ताकि दूसरे लोग इसका यूज़ नहीं कर पाएं। तो अब ये देखिए कि कल से जब बैंक खुलते हैं तो उनके बाहर कितनी भीड़ लगती है और शहरों में बैंक उस रश को कैसे कॉप विद कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज लगता है मुझे। मैंने जैसे पहले कहा और मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा कि 1978 में जो 1000, 5000, 10000 के नोट थे वो मुश्किल से 2 से 5% जनता के पास थे। आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि ये 500 और 1000 के नोट लगभग 90% जनता के पास जरूर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और इतने बड़े देश के लिए ये सारे नोटों का एक्सचेंज करना बैंक में आप एक दो दिन में नहीं हो पाएगा, और इसलिए जो अर्थव्यवस्था पे और एक आम नागरिक को जो असुविधा होगी वो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन तक काफ़ी समस्याएं रहने की कामना है। क्योंकि आप ये नहीं है कि हर बैंक में जाएंगे आपका काउंटर खाली पड़ा और आपने 4000 का फॉर्म भरा और आपको मिल गए। आप जो रश देखेंगे, जो लाइन लगेगी बैंकों में और जो सिस्टम आएंगे वो भी अपने आप में चैलेंज होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्देश्य अच्छा है। उद्देश्य तीन चीज़ों के लिए किया गया था कि अच्छा, ब्लैक मनी को रोकना है, जो आज की डेट में काउंटरफिट जो नकली नोट आए हैं उनको रोकना है, जो टेररिस्ट इस लोग को पैसा यूज कर रहे थे, जो ड्रग्स वाले इसको यूज कर रहे थे उसको रोकने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन साथ के साथ जैसे अभी पहले अंशुमन कह रहे थे कि ये भी बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ती है कि आज की डेट में एक अच्छा मनी जिसे व्हाइट मनी कहते हैं और ब्लैक मनी, तो ये करेंसी नोट बाजार में, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सिस्टम बहुत सारे लोगों का नहीं है, तो ये आम नागरिक का जो ब्लैक करेंसी नोट है वो व्हाइट मनी, वो एक डेली साधन की जरूरत है। और आज की डेट में उस व्यवस्था में रुकावट आ जाएगी जैसे कि अब इससे आएगी, तो वो अपने आप में एक राष्ट्र के लिए चैलेंज होगा। और मैं एक और जो इकोनॉमी के लिए मेजर जो चैलेंज बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो कॉन्फिडेंस इन द करेंसी।
आज की डेट में यूएस की करेंसी यूएस डॉलर वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज की जाती है, उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन किया जाता है। तो जब एक करेंसी का डिमोनेटाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली ये आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं करेंसी के अंदर कॉन्फिडेंस लैक होने की तैयारी होती है, तो वो भी अपने आपके लिए चैलेंज है। लेकिन आज की डेट में सरकार ने कदम उठा लिया है, एक उद्देश्य अच्छा है, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि इस उद्देश्य को आगे कामयाब किया जाए और सभी लोग इसे सपोर्ट करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करके कोशिश करें कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। जी विनोद जैन जी, चूंकि आप सीधे सीधे आउट एंड आउट आप समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल इसका और कह रहे हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं आनी है, मैं इसका जवाब चाहूंगी कि सिलसिलेवार जो जो चीजें उन्होंने अपनी आशंकाएं जताई हैं उसका क्या जवाब होगा। पहले नीतीश कुमार ने बातचीत की है, वो जल्दी से सुन लेते हैं फिर इस मुद्दे पर। निश्चय यात्रा पर निकल रहे हैं, दरकटियागंज बेतिया जो है वहां से शुरुआत करने वाले हैं। पहले चरण में 5 जिलों में जाएंगे और यहां पे पटना में अपने आवास से निकलने से पहले यहां जो उनके समर्थक आए हैं, उनके पार्टी के लोग आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार ने बहुत सारी जो यात्राएं की हैं उसी के क्रम में ये निश्चय यात्रा जो है वो शुरुआत की जा रही है। आज से लोगों से जाएंगे, मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी, निश्चय यात्रा की शुरुआत आज आप कर रहे हैं फिर? निश्चय यात्रा पर निकल रहे हैं, जाकर देखेंगे, फील्ड में जाकर देखेंगे, गांव में अनेक जगहों पर लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बना है, किस तरह से उसके केंद्रों पर काम शुरू हुआ है। इसके अलावे और जो 7 निश्चय के अंतर्गत लगभग सारे काम लॉन्च कर दिए गए हैं उनको देखेंगे, और फिर जिला स्तर पर जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, स्वयं सहायता भत्ता के लिए, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए, तो उन सबों को भी देखेंगे कैसे काम चल रहा है, और पुराने भी जो काम है उसको भी देखेंगे, लेकिन मुख्यतः यह है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है शराबबंदी का, उसका जो प्रभाव है तो लोगों में जागृति और चेतना में निरंतरता चाहिए, वरना कई लोग हैं, संख्या कम है, लेकिन एक कई प्रकार का माहौल वो पैदा करके इसके खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो लोग देखेंगे अब कि जनता का जो विशाल जनमत है वो क्या चाहता है, तो इन सब चीजों को देखेंगे। और मेरा प्रारंभ से ये रहा है तरीका कि हम सीधे जाकर लोगों के बीच चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और अगर कहीं कोई चीज की ऐसा दिखता है कि इसमें कोई कमी है तो उसको पूरा करते हैं, हम लोगों के सहयोग से यह काम करते हैं। कल एक बड़ा फैसला लिया है भारत सरकार ने, 500 और 1000 रुपए के नोट्स को अब बैन कर दिया, इलीगल हो गया है, क्या लगता है ब्लैक मनी पे इससे कोई काम होगा? नहीं नहीं, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और पूरे तौर पर मेरा समर्थन है इस निर्णय का। आपको लगता है इसे काला धन निकालने में? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो हम एक सेंटेंस में आपको कह दिए। जी शुक्रिया। तो ये थे, चलिए तारीफ करने में कटौती की लेकिन तारीफ की इस फैसले की। जी विनोद जी, जो जो आशंकाएं जताई हैं अभी विजय जी ने कि ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है, आपके पास समाधान है उनके? मैं उसी का आपको निवारण बताने वाला हूं। देखिए, एक तो मेरे को लगता है जल्दी ही आज या कल में सुबह में सूचना आ जाएगी कि जैसा पहले भी हमने देखा कि सैटरडे संडे भी बैंक खुले रहे और 24 घंटे काम करें, बैंकों में अगर पैसा पहुंच जाता है। अच्छा, डिपॉजिट पे कोई लिमिट है? डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं है। देखिए, मैं एक बात बड़ी साफ करना चाहता हूं कि आपके पास जो कैश है, 500 रुपए है या 1000 रुपए है, उसका ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू कुछ खत्म हो गई। बैंक में जाइए, पूरा पैसा जमा कराइए और पूरी वैल्यू आपको बैंक में उसकी मिलने वाली है। इसलिए समस्या ये नहीं कि आपका पैसा सडनली आप परेशान है कि मेरे पास 5 लाख रुपए थे अब जीरो हो गया, मैं गरीब हो गया, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सरकार ने पूरा सोल्यूशन आपको दिया, एक एक करके अगर सिलसिलेवार उस चीज को देखें। देखिए, मनी एक्सचेंज अगर आपने करनी है तो 4000 रुपए तक मनी आप एक्सचेंज में कर सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए आपको। क्या क्या आइडेंटिटी के प्रूफ है जरूर मैं ध्यान में करना चाहूंगा, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपकी वोटर आईडी कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, नरेगा का कार्ड हो, या कोई और आई कार्ड किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इशू किया है या पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग का इशू किया हो, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव 90% प्लस लोगों के पास मेरे को लगता है आसानी से उपलब्ध हैं, क्योंकि आजकल आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तो लगभग हर आदमी के पास है, तो आप सिर्फ वो आई कार्ड लेकर जाइए, कोई फॉर्म भरने की कोई रिक्वायरमेंट है 4000 रुपए लाइन लंबी होगी। लाइन तो शुरू में थोड़ी सी, क्योंकि शुरू में लोगों को पैनिक होगा, उस पैनिक को ही हम इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आज उन्होंने बैंक बंद डिक्लेयर कर दिए,
तो ये पैनिक जो है वो डाई डाउन हो जाएगा 24 घंटे में, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा, मोदी जी के ऊपर एक विश्वास की स्थिति है पूरे देश में। इस बात को समझना चाहिए, जो भी इतना बड़ा साहसी कदम मोदी जी ने जो उठाया है वो कोई छोटी बात नहीं है, शायद ही कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन इतना बड़ा स्टेप लेने की हिम्मत कर सकता है। अब देखिए, हमें एक बात बताना हम चाहते हैं कि आप बैंक में अपने बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नए नोट मिलेंगे आपको, 2,000 के भी नए नोट आ गए हैं, 500 के भी नए नोट आ गए हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 100 का नोट ही चलेगा। नए नोट लीजिए ना, पुराने नोट बैंक में जमा करा दीजिए, नए नोट बैंक से निकाल लीजिए, इसमें प्रॉब्लम समस्या स्थिति नहीं है, सिर्फ एक या दो दिन की स्थिति की प्रॉब्लम है। और समस्त सरकारी कर्मचारी को इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इशू हो गई, मेरे पास अभी सारे सर्कुलर्स हैं, रेजोल्यूशन है, रात को इशू हो गए थे, रिजर्व बैंक द्वारा भी, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा भी, कोई भी चाहे मदर डेयरी है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे कोई भी सरकारी अस्पताल है, कोई भी सरकारी विभाग है, वो पुराने नोट लेने से अगले 4 दिन मना नहीं कर सकते, चार दिन सरकार को लगता अगर मना करता है तो क्या हो सकता है वो हम पूछेंगे। लेकिन सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, लोग हैं आपके साथ, क्या आपने देखा है सुबह से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा श्वेता कि मैं चंडीगढ़ की सबसे पॉश मार्केट है, सेक्टर 17 की मार्केट, और ये मार्केट चंडीगढ़ की सबसे भीड़ भरी जगह मानी जाती है। दिन चढ़ने को है, 10 बजे से ज्यादा का समय है, लेकिन दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं। अगर आप मेरे सामने के इन शोरूमों पर नजर डालेंगी जहां पर अच्छी खासी भीड़ रहती है, आपने भी श्वेता यहां पर देखे हैं, कई प्रोग्राम किए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर है, पैनिक है, कंफ्यूजन है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्या होगा, पैसे लेंगे नहीं। शायद यही वजह है कि दुकानें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि शोरूम में जब कस्टमर आएगा, बड़े शोरूम है, 1,500 के नोट देगा, तो उस कस्टमर के साथ किस तरीके से दुकानदारी की जाएगी, शायद दुकानदारों में ये कंफ्यूजन है। और ग्राहक इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो जब सामान खरीदेगा तो उसका पैसा देगा, और पैसे देने पर रात 12 बजे के बाद पाबंदी लग चुकी है, 1,000 और 500 के नोट कोई लेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बहुत है, भ्रांतियां हैं, और लोग अभी भी जो है पशोपेश में है कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़े, क्या करें। सन्नाटा इस मार्केट में जो है अपने आप में गवाही दे रहा है, धूप निकली हुई है और 9 बजे पूरी मार्केट खुल जाती है, अभी तक जिस तरीके से शोरूम बंद है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बयां कर रहा है कि लोगों के अभी समझ में नहीं आया है। सबसे बड़ी बात जो आपने की है सत्येंद्र, वो वही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यही जैसे जैसे समझ आएगा, दरअसल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें बहुत अफवाहों के तौर पर हो रही हैं, लोगों को लग रहा है, जैसे मैंने ही पूछा आपसे कि 2000 में क्या जीपीएस वाकई है, तो इस तरह की चीजें चल रही हैं, आपको छान छान के आपको समझना होगा कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। आज तक आपको सही जानकारी देने की का पूरा प्रयास कर रहा है। आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली के एक इलाके में पहुंचे पंकज जैन, वहां पर क्या उन्होंने देखा वो भी एक नजर देखते चलते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सब्जी खरीदने आप निकले हैं, 500 को नोट दे पा रहे हैं क्या आप? नहीं, मुश्किल हो रहा है काफी, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। हाँ, तो मुझे फिर 500 की सब्जी लेनी पड़ रही, कह रहे हैं 500 का लोगे तभी देंगे। अच्छा, तो यानी कि 500 रुपए पूरे देने के बाद 500 रुपए की ही सब्जी लेनी पड़ रही है। यस। तो क्या छुट्टे वापस नहीं किए जा रहे? नहीं, है ही नहीं किसी के पास, तो देंगे कैसे। इसीलिए किस तरीके से अपने बजट को आप तैयार कर रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा फेर बदल करना पड़ेगा? तो पता नहीं, अभी तो नेसेसिटी का ही शॉपिंग करने आए, फिर सोचेंगे क्या करना है। कदम लेकिन आज कैसा देख रही हैं आप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया काले धन पर लगाम लगेगी? ये तो मुझे मालूम नहीं लगेगी कि नहीं, अभी कहना मुश्किल है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि क्या होगा। तो इनको यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए जब पहुँचती हैं तो 500 रुपए पूरे देने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं दुकानदार जो है वो छुट्टे देने के लिए मना कर रहे हैं, तो पूरे के पूरा 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जो लोग बजट तैयार करके निकले हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग 500 का नोट किसी ना किसी तरह से खर्च करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अच्छा, देखिए जो सरकारी संस्थान है वहां नहीं ले रहे हैं 500,000, यहां सब्जी वाले ले रहे हैं मंडी पर, वो ले रहे हैं लेकिन कह रहे हैं छुट्टे नहीं देंगे, तो आप कोशिश करिए कि 500 डॉट के सामान आप खरीद लीजिए। हाँ, क्योंकि वो देखिए छोटे लोगों को के पास अगर 500,000 रुपए 2,000 रुपए की थोड़ी बहुत भी करेंसी होगी तो वो जाके एक्सचेंज करा लेंगे। सरकारी विभागों के पास अभी आदेश पहुंचने की चुनौती है, और दूसरा है कि उनको बड़े पैमाने पर कैश एक्सचेंज कराना पड़ता है, और उनको अपने अकाउंट्स में चेंज करना, यहाँ कोई बिल तो देने बिल देने की कोई बात नहीं है। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है व्यवहारिक रूप से बैंक्स के लिए, कि बैंक्स कैसे तैयार होकर परसों आते हैं, हैं वो किस तरह से इस पूरे प्रेशर को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा चाहेंगे कि वो एक्सचेंज कराने से पहले अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लें, जिससे कि उनको जो जरूरतें हैं उनकी अगले 10-12 दिन की वो पूरी हो जाए। वहाँ ये जो 4,000 रुपये और 2,000 रुपये की लिमिट है, ये बहुत समस्या पैदा करेगी, क्योंकि 4,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है। अगर आपको एक टिकट भी बुक करानी होती है तो उसकी कॉस्ट 4,500-5,000 रुपये आती, बहुत छोटा अमाउंट है। तो बैंक इस
प्रोसेस को कैसे मैनेज करेंगे? मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज शाम तक कुछ और रिलैक्सेशंस आ जाएं। इतनी बड़ी जनता देश में प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करती है, पूरे भारत में जितने, पहले तो हमें कुछ बेसिक आंकड़े समझने चाहिए। भारत में 49% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक कनेक्ट नहीं, वो अनबैंक्ड है। जो 51% लोग हैं उनमें से 22% लोगों के पास केवल डेबिट कार्ड, केवल 22% के पास, और केवल 3% या 3.5% पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू होते हैं। आपके पास बैंक अकाउंट है भी, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डेबिट कार्ड से विड्रॉ करते हैं, या वो कैश पेमेंट करते हैं, या वो चेक के जरिए पेमेंट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कैश पेमेंट सिस्टम भारत में रन करता है जो जेन्युइन है, जो वैलिड है, जो ब्लैक नहीं है, जो जेन्युइन वैलिड कैश पेमेंट सिस्टम है जो काम करता है। और इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, जो बड़े पैमाने पर आपके आसपास चीजों की आपूर्ति करता है। उसके लिए अब दो तरीके की चुनौतियां हैं श्वेता, बैंकर्स के सामने। बैंकर्स के सामने एक तो सामान्य उपभोक्ता खड़ा होगा, जिसके बच्चे की शादी होनी, जिसको अस्पताल का पेमेंट करना, जिसको ट्रेवल का टिकट देना, और दूसरा वो रिटेलर खड़ा होगा जिसे थोड़ी ज्यादा अमाउंट चाहिए, क्योंकि उसका एक ही पेमेंट 15,000 से 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए कैश का होता है। बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो बैंकिंग सिस्टम के नेटवर्क से बाहर काम करते हैं और कैश में पेमेंट करते हैं। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये बड़ी चुनौती है भारतीय बैंकों के लिए। लोगों की मुश्किलों की बात हम लगातार कर रहे हैं, उनकी चिंताओं की बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता चिराग गोठी जब लोगों के बीच पहुंचे तो उन्हें क्या सुनने को मिला। केंद्र सरकार ने 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया, इसको लेकर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सरकार के इस मूव का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो मूव है सरकार का बहुत बढ़िया है। इस वक्त हम मंडी हाउस के पास खड़े हैं, मदर डेयरी के पास खड़े हैं, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मदर डेयरी के कर्मी मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब, कुछ दिक्कतें आ रही हैं सुबह सुबह? प्रॉब्लम आ रही है? कोई खास कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारे को। मतलब सरकार का जो मूव है 500 रुपए जो बंद किया है, लोग 100-100 के दे रहे हैं। हमारे को कोई प्रॉब्लम, आप बताओ कोई दिक्कत आ रही है? 100-100 के नोट, आप 100 का नोट आपके पास है, 500 का आप नहीं लाएंगे? किसी तरह की कोई नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? आप लोग यहाँ सुबह सरकार के मूव का समर्थन करते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल समर्थन करना चाहते हैं, ये मूव बहुत बढ़िया है, इससे जो घरों में जो ब्लैक मनी छुपा हुआ वो कम से कम निकलेंगे। हालांकि इसके एक पॉइंट ये है कि जो स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो नहीं अभी कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी ये मूव बहुत अच्छा मूव है, हम समर्थन करते, कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे हमें। अंकल आप सब्जी लेकर आए हैं, कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा सुबह सुबह, क्योंकि सब्जी वाले के पास 500 रुपए तो खुले नहीं थे? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो मैंने दिए बाकी उसने उधार कर ली है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3-4 दिन तो हम रन कर सकते हैं। देखिए जाहिर तौर पर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका साफ साफ यही कहना है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सरकार का जो मूव है वो काफी बढ़िया है। खुद मदर डेयरी के बाद लोग खड़े हैं यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं, कई लोग 100-100 के नोट दे रहे हैं और काफी खुश हैं कि सरकार का जो मूव है वो काफी बढ़िया है। कैमरन सतेंद्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये आम लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं जिनको लेकर चिंता हो रही है कि वो कैसे अपने आने वाले दिन बिताएंगे। लेकिन अगर वो समर्थन कर रहे हैं और थोड़ी सी मुश्किल उठाने के लिए तैयार हैं तो ये एक सकारात्मक चिन्ह है कम से कम इस पूरे मामले में। 244 हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी तक। आज जिसके पास 100 रुपए का नोट है वो सबसे धनवान है, क्योंकि जिसके पास 500 और 1000 का अंबार भी लगा था, कम से कम आज से लेकर कल तक जब तक ATM बैंक ये सब खुल नहीं जाते हैं तब तक उनका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। एक चीज जो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम अंशुमन जी, वो ये कि लोग मना कर दे रहे हैं, जैसे जहां जहां प्रावधान भी हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर एक आम इंसान के पास क्या विकल्प है? मुझे लगता है तुरंत तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर मना कर दे तो क्योंकि 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 ये विवाद की स्थिति रहेगी। सरकार इतना बड़ा सिस्टम काम कर है, सरकार ने सारे विभागों को सूचनाएं भी भेजी हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, बड़े अधिकारी के पास जा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जैसे कल की स्थिति आप देखिए, कल ये फैसला आने के 15 मिनट बाद ही पेट्रोल पंप्स के ऊपर बड़े नोट लेना बंद कर दिया गया, जबकि ये 12 बजे तक लिए जाने थे और आज भी लिए जाने थे इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि सरकार आज धीरे धीरे सक्रिय हो रही है, जैसे अभी जो रेलवेज वाला ऑर्डर था उसको और क्लेसिफाई करके और रेक्टिफाई करके सरकार ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी लिया जाएगा। अच्छा। केवल रेलवे के लिए माना जा रहा था, मेट्रो पर नहीं चल रहा था। तो मुझे लग रहा है 500 के नोट लिए जाएंगे। तो जैसे मुझे लग रहा है कि धीमे धीमे जब सरकार के पास सूचनाएं मिलना शुरू होंगी तो ये रिलैक्सेशन और क्लेरिफिकेशन बढ़ते जाएंगे। मुझे जितने रिलैक्सेशन कल दिए गए हैं आने वाले समय में उसमें कुछ रिलैक्सेशन बढ़ने की संभावना, आम लोगों की चीजें हैं
और वाकई जैसे धीरे 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 धीरे, हालांकि अभी एमसीडी टोल जो एक स्टेट का बॉर्डर है वहां पर क्या होना है वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, लेकिन शायद कम्युनिकेशन वहां तक पहुंच जाए। श्वेता, बहुत समस्या नहीं है, सरकारी एजेंसियों को लेना चाहिए, क्योंकि एक तो सरकारी एजेंसियां उनके पास जितना भी कैश होगा वो वैसे भी एक्सचेंज हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में जाकर। छोटे व्यापारी के लिए या छोटे ट्रेडर के लिए तो ये समस्या है कि वो बैंकेबल नहीं है, सब्जी वाला या ठेले वाला वो 1000 रुपए का नोट लेके कहां जाएगा, किस बैंक में जाकर एक्सचेंज कराएगा, उसकी चिंता तो उसका पैनिक तो जेन्युइन है। पर सरकारी एजेंसियां अगर ऐसा नहीं कर रही तो वो आपको मदद नहीं कर रही है और वो आपका डर बढ़ाने में योगदान कर रही है। मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि जो आम छोटा व्यापारी है, ट्रेडर है, ठेले वाला है, पटरी वाला है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुनिए, उनकी दिक्कतें हैं कुछ जिन पर मैं विस्तार से आपके पास लौटूंगी, क्योंकि जो सुबह ही पैसे निकाल रहा है अपने मजदूरों को डेली दे रहा है वो क्या करेगा, इस पर हम जवाब जानेंगे।